प्रॉब्लम तो नहीं आएगी जब हम वैल्यू पुट करके देख ली एक्स की जगह पे जीरो, व्हेन आई एम पुटिंग जीरो, कॉस जीरो कितना होता है वन, और नीचे पाई आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही, कोई जीरो बाय जीरो नॉट डिफाइंड तो कुछ नहीं बन रहा ना, तो दैट्स व्हाई। ओके जी, तो मेरे पास यहाँ पर क्या आया, कॉस जीरो बाय पाई, आंसर इज वन बाय पाई। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 17th, लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो, cos 2x minus 1 over cos x minus 1। अब देखिए पहला स्टेप तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ही होता है ना, जब आप डायरेक्ट पुट कर रहे हो जीरो तो 1 minus 1 जीरो, 1 minus 1 जीरो, ये क्लियर कट जीरो बाय जीरो फॉर्म। जब जीरो बाय जीरो फॉर्म हो तो मेरे दिमाग में हमेशा क्या होता है, इसको किसी तरह रिड्यूस करो, स्टैंडर्ड फॉर्मूले में लेके आओ। तो उसके लिए बेटा मेरे दिमाग में इसको देख के ना ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट याद आ गया, वन माइनस कॉस टू थीटा ना क्या होता है, टू साइन स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल, है ना। काफी बच्चों को याद नहीं होगा ट्रिग्नोमेट्री का, तो मैं यहां लिख देती हूं, लेट अस राइट कॉस टू थीटा के मेरे पास फॉर्मूलेज होते हैं, एक कॉस के थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा 2 cos square theta minus 1, थर्ड 1 minus 2 sin square theta। अब कुछ सोचिए, cos 2 theta मेरे पास minus 1 है, यानी ये 1 मैं इधर ले जाऊं तो क्या बचेगा,
माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, लिमिट x अप्रोचेस जीरो माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा यानी x, ऐसे ही नीचे सेम माइनस टू साइन स्क्वायर x बाय टू, हाफ एंगल होता है ना, जो एंगल यहां उसका हाफ यहां, जो एंगल यहां उसका हाफ यहां, ये टू टू कैंसल, माइनस माइनस कैंसल, नाउ व्हाट इज लेफ्ट विद मी, दैट इज लिमिट x अप्रोचेस जीरो साइन स्क्वायर x बाय टू बाय साइन स्क्वायर, ओ यहां x था यहां x बाय टू। अब प्रॉब्लम ये, अगर मैं फिर जीरो पुट करूं, ये अगेन जीरो बाय जीरो फॉर्म बन रही है कि नहीं बन रही, तो मुझे फिर सिंप्लीफाई, फिर मेरे दिमाग में क्या आता है, मैं स्क्वायर एक तो मैं इकट्ठी ले सकती हूं ऐसे, ओके साइन थीटा का फॉर्मूला मेरे पास हो गए, साइन टू थीटा का पहले बताती हूं, टू साइन थीटा कॉस थीटा, मेरे दिमाग में क्यों आया, क्योंकि नीचे वाला साइन एक्स बाय टू मैं काटना चाहती, ऊपर जीरो आ जाए तो चलेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए तो मेरे को क्या करता है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो दैट्स वाई मैंने लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो टू साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू बाय साइन एक्स बाय टू। बेटा कहीं पे भी आपको नहीं समझ आया, आप नहीं पूछोगे तो ये डाउट ही रहेगा, इवन कोई इजी सा स्टेप भी आपको नहीं क्लियर है, यू कैन आस्क मी। देखो अब ये और ये कैंसल, अब डिनोमिनेटर वाली प्रॉब्लम खत्म, अब क्या रह गया मेरे पास, ये वाले टर्म, तो यहां जीरो पुट करो तो टू और इधर कॉस जीरो कितना बना वन, तो आंसर टू का स्क्वायर फोर। मैंने यहां पर बेटा यहां पर मैंने यहां पर कॉस टू थीटा का फॉर्मूला लगाया, कॉस टू थीटा होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब जो एंगल यहां है उसका हाफ एंगल यहां है ना, तो मेरे पास था साइन थीटा की जगह टू साइन हाफ ऑफ द एंगल कॉस हाफ ऑफ द एंगल, अब ये और ये कैंसिल, मेरे पास क्या बचा बेटा, लेफ्ट ओवर टर्म्स मेरे पास थी, दैट इज लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो फोर कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू, ओके अब फोर तो एज इट इज, कॉस जीरो कितना होता है वन, वन का स्क्वायर वन, तो आंसर इज फोर, ओके क्लियर, कोई डाउट तो नहीं किसी को, चलें बेटा आगे, कैसे आप फर्स्ट स्टेप में ही अगर जीरो पुट करते हो, कॉस जीरो इज जीरो, ओ साइन जीरो इज जीरो, साइन जीरो इज जीरो, जीरो बाय जीरो फॉर्म नहीं बन रही, इस स्टेप में भी पुट करके मैंने लिखा तो है, देखिए कॉस जीरो वन वन माइनस वन जीरो, सेम इन द डिनोमिनेटर, हम कोई आगे स्टेप भी तभी करते हैं जब वो मुझे क्या करता है जीरो बाय जीरो फॉर्म या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म देता है या डिनोमिनेटर में जीरो आ जाता है, तो मैं नहीं चाहती हूं कि मेरा आंसर नॉट डिफाइंड है, बहुत रेयर केस होता है लिमिट्स में जब आंसर नॉट डिफाइंड आता है, जब ऊपर कुछ कटता ही नहीं, मान लो आपके पास है वन ओवर साइन एक्स और लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो, तो जो मर्जी कर लो आगे सॉल्व भी नहीं कर सकते इसको कुछ, तो वो आंसर नॉट डिफाइंड आएगा, वन बाय जीरो, जीरो बाय जीरो फॉर्म तो नहीं ना बन रही, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म तो नहीं ना बन रही, दैट्स व्हाई, ओके बेटा क्लियर, चलिए नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। हाँ जी बेटा अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो ए एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स, जो बुक में जितने भी क्वेश्चन है ना लिमिट के, ये फर्स्ट स्टेप है लिमिट का, सिर्फ जो लिमिट के आपको यूज होने हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं ये, अभी फर्स्ट स्टेप है, इसमें कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड वाला कोई काम नहीं है, लिमिट के जितने एक्स्ट्रा करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है बेटा, अब क्या करोगे यहां पर, क्या दिमाग में आता है आपके, डायरेक्ट पुट करूं, जब मैं एक सेकंड जीरो पुट किया जीरो हो गया, जीरो पुट किया जीरो हो गया, जीरो पुट किया, क्लियर कट ये जीरो बाय जीरो फॉर्म है, ओके नाउ सिंस इट इज अ जीरो बाय जीरो फॉर्म, तो इन माय माइंड इट कम्स कि आई हैव टू
रिड्यूस इट इन सच ए फॉर्म सो दैट कि मेरे पास वो जीरो बाय जीरो फॉर्म ना बने। तो अब आप सोचिए, बताइए मुझे कि अगर जीरो बाय जीरो फॉर्म नहीं बन रही तो क्या करें फिर, कैसे इसको? ओके, वेरी गुड। इफ आई टेक एक्स कॉमन देन आफ्टर देन, वेरी गुड वेरी गुड। बिल्कुल, ये साइन एक्स जब भी होता है ना, देखो मैं, हम लोगों ने कैसे सोचा हुआ है, आप भी हमें कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन दोगे, क्या पता हमने देखा है कि नहीं देखा, है ना? तो हम कैसे माइंड, हमारे माइंड में कुछ ट्रिक क्या, अगर टेन एक्स हो डिनोमिनेटर में, साइन एक्स हो, किसी तरह से मैं एक्स ले आऊं उसके डिनोमिनेटर में और वो साइन एक्स बाय एक्स लिमिट एक्स अप्रोच जीरो, वो क्या बन जाएगा? वन। ऐसे ही टेन के केस में, तो मेरे माइंड में आया क्यों ना मैं यहां एक्स से मल्टीप्लाई एक्स से डिवाइड कर दूं, फिर था कि इस एक्स ने प्रॉब्लम क्रिएट करनी है, ये तो वन हो जाएगा, है ना? तो ये एक्स जो कॉमन आएगा और ये क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, ठीक है कि नहीं? तो इसीलिए मैंने लगा दिया, अगर वो प्रॉब्लम क्रिएट करता तो शायद मैं फिर एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं करती, ठीक है ना? तो मेरे दिमाग में यहां पर मैंने एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, एक्स कॉमन लिया और मेरे पास ये टर्म बन गई साइन एक्स बाय एक्स और इधर बी और इधर एक्स, ये कैंसल, मुझे पता है साइड पे बस ऐसे लिख देना है लिमिट एक्स अप्रोच जीरो साइन एक्स बाय एक्स, बेटा क्या होता है, वन होता है। तो अब मेरे पास जो है लिमिट एक्स अप्रोच जीरो यहां पर ए प्लस अब कॉस जीरो वन ओवर बी, अब लिमिट क्योंकि पुट कर दी तो ये कैंसिल कर दे, आंसर अब समझ आई बेटा बात? और जितने सम्स मैं बार बार कह रही हूं, जितनी एक्स्ट्रा बुक से प्रैक्टिस करोगे उतना आपका हैंड इसमें खुलता जाएगा, इन सम्स में उतना ही आपको इंटरेस्ट भी बहुत इस चैप्टर में आएगा। ओके, चलू बेटा आगे, क्लियर टू एवरीवन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। चलिए खुद सोचिए, 19 लिमिट x अप्रोच जीरो x secant x लिमिट x अप्रोच जीरो x बाय secant को क्या लिख दो, cos x। अब क्या करूं? हाँ जी, उसका क्या फायदा होगा मुझे बताओ, तो ये तो सीधा भी आप जीरो लिख सकते हो, क्यों? आपको कोई प्रॉब्लम तो ना क्रिएट कर रहा है, आप इतना चेंज कर रहे हो, जब आपने एक्स को जीरो पुट किया, जीरो बाय कॉस जीरो, कॉस जीरो कितना होता है, वन, तो जीरो बाय समथिंग इज जीरो, हम क्यों इतना सोच रहे हैं, क्यों चेंज करना, आंसर तो जीरो ही है ना, है ना? जीरो इज ट्रीटेड एज फाइनाइट ना, डिनोमिनेटर में जीरो होता ना तो मुझे वो प्रॉब्लम क्रिएट करता। मैं यहां पर भी पुट कर सकती थी सीधा ही, जीरो इंटू कॉस सीकेंट जीरो, जीरो इंटू सीकेंट जीरो वन होता है, तो जीरो इंटू वन आंसर तब भी क्या बनना है, जीरो ही बनना है। ओके जी, क्लियर बेटा? ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने कि सीकेंट की वैल्यूज याद नहीं रहती, क्लियर? चलो चलिए बेटा नेक्स्ट 20th क्वेश्चन, अब जरा देखिए इसको, क्वेश्चन 20th, साइन ए एक्स प्लस बी एक्स ओवर ए एक्स प्लस साइन बी एक्स। चलिए बेटा, ओके वेरी गुड, लिमिट एक्स अप्रोच जीरो कहां पर बेटा, पूरी टर्म में, साइन भी कर देंगे ला, ओके जी ए एक्स बाय ए एक्स, लो जी फिर क्या करें बेटा, ओके जी बी एक्स इंटू साइन बी एक्स बाय बी एक्स कर दिया मैंने श्रेया, आगे ये वन आ गया, ये भी वन आ गया, फिर मेरे पास लिमिट एक्स अप्रोच जीरो ए एक्स प्लस बी एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी एक्स, और कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट ही होती है। ओके बेटा, कांस्टेंट की लिमिट अगर हम वन बचा ना
उसकी लिमिट लेंगे तो वो आंसर क्योंकि मुझे साइन थीटा बाय थीटा बनाना है। कैसे बना हुआ है? आप इसको इसके नीचे, आप इसको इसके नीचे, वाओ, आप ये टर्म पूरी के नीचे होती है बेटा। अगर सेपरेट करना है इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, अलग अलग करना पड़ता है, ऐसे थोड़ा कर सकते हैं हम। बात समझ आई बेटा? चले आगे। ओके जी, नाउ कम टू 21st क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो, कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स। ओके जी, साइन कॉस की फॉर्म में लिखते हैं तो लेट अस सी, 1 बाय साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाय साइन एक्स। नाउ ओके जी, लेट अस टेक एलसीएम साइन एक्स 1 माइनस कॉस एक्स। अब क्या करें यहाँ पे? बिल्कुल जी, 1 माइनस कॉस एक्स को हाफ एंगल का करें, अभी यूज किया था ना, क्या होता है 2 sin² हाफ बाय टू, एक्स बाय टू, जैसे मर्जी एंगल का हाफ। क्यों मैंने ऐसे किया? क्योंकि मैं चाहती हूँ नीचे वाला साइन कटे, तो वो साइन तभी कटेगा, नहीं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा, क्योंकि एक्स मेरे पास कोई है ही नहीं। आई एम नॉट हैविंग एनी एक्स कि जो साइन एक्स बाय एक्स को मैं क्या कर दूं, यूज कर दूं। तो इसीलिए अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, देखिए, लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो 2 sin² हाफ ऑफ दी एंगल। अब ऊपर हाफ में आ गया ना, तो नीचे वाले को भी हाफ वाला एंगल कर दो। साइन थीटा क्या होता है? 2 sin ½ the angle cos ½ the angle। ये कट गया, 2 2 कट गया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टेन एक्स बाय टू, 0 पुट करोगे तो आंसर इज 0। ओके बेटा, एनी डाउट एनीथिंग दैट दोज हु आर नॉट राइटिंग ना, वो प्रॉब्लम ही होगा आपके लिए, बिकॉज लैक ऑफ प्रैक्टिस जो गया आपको वो 0 पे पहुंचाती। एक बार हाथ से सम निकला बेटा, चाहे जितना मर्जी इजी हो, आपके लिए बेनिफिट होगा। क्लियर है बेटा सबको? कोई डाउट तो नहीं? चले आगे बेटा। चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 22, लिमिट एक्स अप्रोचेस पाई बाय टू, टेन 2x बाय एक्स माइनस पाई बाय टू। देखते ही पता चल जाना चाहिए आप, उसका क्या बेनिफिट? बिल्कुल, लिमिट देखो क्लियर कट। मैं आपको बार बार कहती हूं सॉरी, कि अगर मैं लिमिट को इधर ले आऊं एक्स माइनस पाई बाय टू, वो नीचे वाली टर्म बन रही है, तो मैं कह रही हूं जब भी बनती है उसको क्या कर दो, पुट कर दो। जब हम पुट करेंगे, पुट एक्स माइनस पाई बाय टू इज इक्वल टू टी, एज एक्स अप्रोचेस पाई बाय टू टी अप्रोचेस 0, तो मेरे पास लिमिट टी अप्रोचेस 0 टेन 2 एक्स की वैल्यू पुट करनी है, क्या आएगी? टी प्लस पाई बाय टू, नीचे क्या आ जाएगा? टी। अब ब्रैकेट ओपन करें, जब ब्रैकेट ओपन किया तो मेरे पास बेटा क्या आ जाएगा, देखिए, लेट अस सी। मैं बार बार कह रही हूं कि नोट करो, मैथ्स की पीरियड में अगर आप बिना पेन हिलाए सिर्फ सुनोगे ना, वो नई पॉसिबिलिटी, जब आप लिखते हो ना तब आपको ज्यादा क्लैरिटी होती है कि मेरा स्टेप कहाँ अटका, मुझे कहाँ से समझ नहीं आ। ओके चलिए बेटा, 2t + π/t। अब मुझे बताइए, टेन पाई प्लस थीटा, बिल्कुल जी, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया ना। देखो पाई यहां होता है, पाई प्लस इधर थर्ड, थर्ड में टेन क्या होता है? पॉजिटिव ही होता है। तो टेन लिमिट एक्स सॉरी टी अप्रोचेस 0 टेन 2t/t। अब क्या करें? 2 से मल्टी, ये 2 बाहर नहीं आता, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है जी।
तो ये सारा क्या हो गया, वन टेन थीटा बाय थीटा वन किया हुआ ना, तो मेरे पास आंसर टू इंटू वन आंसर इज टू। एक्स माइनस पाई बाय टू एक ही बात है, वो भी कर सकते थे। ठीक है ना, बात समझ आई बेटा सबको? एनी डाउट एनी क्वेश्चन दैट कम्स इन योर माइंड, क्योंकि ये लिमिट का एक टाइप खत्म हो गई। एक टाइप कैसे, मतलब यहां कोई फंक्शन चेंज नहीं हो रहा। जब मैंने कहा लिमिट x अप्रोचेस 2, मुझे ये नहीं वो कह रहा कि 2 से कम वाले पे फंक्शन और है, 2 से राइट वाले पे फंक्शन और है, कुछ नहीं बता रहा ना। जस्ट उसने कहा लिमिट सॉल्व करो, यानी चाहे लेफ्ट से अप्रोच करें चाहे राइट से, फंक्शन सेम था। हाँ जी, कौन सा वाला, ये वाला शुरू से? हाँ जी, देखो सबसे पहले तो मैं अपने माइंड में, मैं जैसे सोचती हूँ ना, मेरे माइंड में सबसे पहले क्वेश्चन देख के होता है, अच्छा पहले तो ये पाई बाय टू पुट करूंगी तो मेरा जीरो बाय जीरो कोई फॉर्म तो नहीं बन रही है। बन रही है तो अगला मेरा स्टेप होता है रिड्यूस करना इसको किसी तरह। रिड्यूस करने में मेरे माइंड में होता है, अच्छा जो लिमिट नीचे है वो ही इधर माइनस करके बन रही है, तो मेरे दिमाग में सब्स्टिट्यूशन मेथड आ जाता है हमेशा। मैं भी आप जैसे सोच के ही करती हूँ। तो मैंने क्या किया, इसको टी पुट किया। जब टी पुट किया तो मैंने देखा अगर एक्स पाई बाय टू को अप्रोच कर रहा है, मतलब एक्स की जगह पे पाई बाय टू लिखो, तो पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू क्या हो गया, जीरो। यानी टी किसको अप्रोच करेगा, जीरो को। यहां से बात खत्म हुई, यहां तक क्लियर हो गया ना? ठीक है, अब मेरे का वेरिएबल मेरा नया आ गया, मेरी पिछली सारी बात खत्म हो गई। वेरिएबल नया आया तो मेरे पास यहाँ एक्स एक्स की जगह पे टी अप्रोचे जीरो, और यहाँ पर टेन टू एक्स की जगह पे मैंने क्या पुट किया, टी प्लस पाई बाय टू, और नीचे मेरा टी आ गया। मेरा सब कुछ नए वेरिएबल में हो गया, पिछला काम सारा मेरा फिनिश हो गया। नाउ आफ्टर दैट मेरे माइंड में आया कि मैं इस टू को ओपन करूं, है ना। जब मैंने ओपन किया तो टू टी प्लस, ये टू और टू कैंसिल हो गया, लेफ्ट विद पाई, सो आई राइट हियर पाई। After that, I know it very well, tan pi plus theta. Tan pi plus theta third quadrant में पहुंच जाता है, और pi होता है तो कोई change नहीं होता, tan का tan, cot का cot, secant का secant. तो मैंने tan theta आ गया है, और नीचे t था, यहाँ theta 2t है, मुझे नीचे भी 2 चाहिए, 2 से divide, 2 से multiply कर दिया मैंने। अंदर कर लो या बाहर कर लो, doesn't matter, क्योंकि ये constant है। जो एक्स वगैरह वेरिएबल होता है ना, उसको हमेशा कहाँ करते हैं, अंदर ही करते हैं बेटा, सोना नहीं, बी एक्टिव, ऐसे हेड डाउन नहीं करना प्लीज बेटा। ठीक है, उसके बाद टू से मल्टीप्लाई, टू से डिवाइड किया मैंने, और ये मुझे पता चल गया कि ये तो वन ही होता है, तो टू इंटू वन आंसर इज टू। ओके वीरती मन्नत, क्लियर हो गया बेटा? चलिए अब बेटा, अभी तक जितने क्वेश्चंस हमने किए, मैं आपको बार बार कह रही हूं फंक्शन की वैल्यू एक ही है। हाँ जी अनूर, पूछना बेटा पूछो। एक्स पाई बाय टू थोड़ा, ये पुट किया मैंने टी, ये उधर जाएगा तो टी प्लस पाई बाय टू नहीं होगा बेटा। ओके क्लियर, चलिए मैं आपको बता रही थी अभी तक जितने क्वेश्चंस किए आपके पास सीधा एक ही फंक्शन था। अब आपको स्टार्टिंग में मैंने याद बताया था ये चीज कि अगर फंक्शन वेरी करता है तो मैं लिमिट लेफ्ट से भी देखती हूँ, मैं लिमिट राइट से भी देखती हूँ, और मैंने एग्जांपल भी दिया था। आपकी पॉकेट में अगर 1000 रुपीज है ना, आप शॉपकीपर को कहोगे कि मेरी लिमिट इतनी है, वो 1000 की बजाय वो 999 या 990 तक भी दिखा सकता है, या आप वो कहते हैं अच्छा 1000 प्लस वेरी स्मॉल, मतलब 1000 10 रुपीज, 1020 रुपीज, आपको लगता है इतना बार्गेनिंग हम कर लेंगे, होता है कि नहीं? तब आप लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से आप वो चीज देखते हो, थोड़ी सी ज्यादा वाली भी थोड़ी सी कम वाली भी, है ना। फंक्शन तो यही है, बाय करनी चीज को, किसी को गिफ्ट देना, इतना आप एडजस्ट करते हो,
ऐसे ही हमारा लिमिट्स में काम होता है, जब लेफ्ट और राइट पे फंक्शन अलग अलग है ना, तो हमें लेफ्ट लिमिट अलग निकालनी पड़ती है, राइट लिमिट अलग निकालनी पड़ती है। और अगर दोनों लिमिट्स इक्वल होंगी, मैंने ज्यादा वाले पैसे भी देख, ज्यादा वाली आइटम्स भी देखी, मैंने कम वाली आइटम्स भी देखी, बट अगर वो मेरी आइटम 1000 तक वो बंदा दे देता है तभी मैं बाय करूंगी। आप अफोर्ड कर सकते हो तभी बाय करोगे, नहीं तो बाय नहीं करोगे। ऐसे ही यहां पर है, अगर लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों बराबर होंगी, दोनों बराबर होंगी तभी आप कहोगे लिमिट एग्जिस्ट, अदरवाइज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है जी, अब सम करेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी होगी आपको। एग्जाम क्वेश्चन नंबर 23 है आपकी एक्सरसाइज का, लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो, एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट करना है मुझे, लिमिट एक्स अप्रोचेस वन, एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट करना है मुझे, और मुझे फंक्शन दिया हुआ बेटा देखिए, दैट इज 2x प्लस 3, 3x प्लस 1, एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, एक्स ग्रेटर देन जीरो। अब बेटा देखिए, सबसे पहले यहां पर लेफ्ट और राइट पे मेरे पास हो गए, लेफ्ट पे देखू, लेफ्ट कैसे जीरो से कम वैल्यू एक्स की, तो मेरा फंक्शन ये है, बस इसको एक बार ध्यान से समझ लो। आपको लिमिट सॉल्व इन क्वेश्चन में ना लिमिट की टेंशन नहीं होती, सिर्फ लेफ्ट राइट आपको प्रेजेंट करना नहीं आता तो क्वेश्चन गलत हो जाता। राइट मतलब जीरो से बड़ी वाली, फंक्शन ये, बात समझ आई। जैसे कई बार हम लिख देते हैं, अच्छा अगर मीडियन मान लो, प्रोबेबिलिटी की बात करें कि प्रोबेबिलिटी निकालो, नंबर शुड बी ग्रेटर देन 3, कहते निकालते थे ना ऐसे। यहां जिस पॉइंट पे लिमिट देखा है ना, जीरो पे कह रहा है ना, और जीरो पे फंक्शन क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, ये जीरो पॉइंट है, इसके लेफ्ट पे एफ ऑफ एक्स मेरे पास 2x प्लस 3 है, और इसके राइट पे एफ ऑफ एक्स क्या है 3x प्लस। ये आपको समझाने के लिए लिखा, हम ऐसे कुछ नहीं लिखते। तो जब भी ऐसा केस आए तो हमेशा आपने लेफ्ट लिमिट अलग निकालनी है, राइट लिमिट अलग निकालनी है, और अगर दोनों का आंसर बराबर आए तो आपने कहना लिमिट एग्जिस्ट और आंसर वही जो निकाला। इज इट क्लियर? अब देखिए, सबसे पहले फॉर लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो एफ ऑफ एक्स टू बी एग्जिस्ट, लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। अब मैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर रही हूं, यानी लिमिट एक्स अप्रोची जीरो नेगेटिव, ऊपर जो नेगेटिव होता है ना वो सिर्फ क्या बताता है कि मैं लेफ्ट लिमिट कैलकुलेट कर रही हूं, जीरो से कम वाली वैल्यूज ले रही। ठीक है, तो मेरे पास जो है क्या आ जाएगा यहां पर, एफ ऑफ एक्स जीरो से कम वाले पे कौन सा फंक्शन है, 2x प्लस 3। सिर्फ नेगेटिव हमें फंक्शन सिलेक्ट करने में, कई बुक्स में सब्स्टिट्यूशन मेथड भी वो लगाता है, मैं कहती हूं कोई जरूरत नहीं, प्लस 2 में भी कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा कर सकते। सिर्फ नेगेटिव ओनली रिप्रेजेंट्स टू सिलेक्ट द फंक्शन, नथिंग एल्स। अब ये कर दिया, अब आगे भूल जाओ ये नेगेटिव साइन। ये सिंपल लिमिट सॉल्व करनी आती है, कैसे करते हैं, एक्स की वैल्यू जीरो पुट के आंसर कितना आ गया। अब राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेस क्या लिखोगे, जीरो पॉजिटिव, क्या आएगा मेरे पास यहां पर 3x प्लस 1। अब पॉजिटिव को नहीं देखना, पॉजिटिव सिर्फ किसके लिए है, सिर्फ सिलेक्शन के लिए मेरे पास होगा। ठीक है, जस्ट फॉर सिलेक्शन। अब बेटा देखिए यहां पर वैल्यू पुट कीजिए, देखिए क्या आंसर आ रहा है, कैसे वन है, कहां राइट हैंड साइड वन है बेटा, जीरो से बड़ी वैल्यू, फंक्शन क्या है 3x प्लस 1, व्हेन यू पुट x जीरो तो मेरे पास हो गए 3 into 1, आंसर इज 3, देयरफॉर लिमिट
x अप्रोचेस जीरो, f ऑफ x आंसर कितना आ गया 3। ओके बात समझ आई बेटा? कोई भी माइंड में क्वेश्चन आता है मैं बार बार कह रही हूं आस्क मी, नहीं तो वो डाउट ही रह जाएगा। और ये सबसे इजी क्वेश्चन है, सिर्फ सिलेक्शन में प्रॉब्लम नहीं होती, बच्चों को समझ नहीं आती। आई थिंक नाउ इट इज क्लियर टू यू, है ना? लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन सो दैट कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। कौन सी? वो अगला पार्ट कराने लगी हूं, ये सेकंड पार्ट है, ये वन पार्ट खत्म हो गया, अब ये करवाने लगी हूं आपको। चलो बेटा ओके अब देखिए, अब यहां पर जब x अप्रोचेस वन है, अब वन के लिए फंक्शन कौन सा रहेगा? क्या वन पे, मुझे बताओ क्या वन पे कोई वैल्यू फंक्शन की चेंज हो रही है? नहीं। किस पे हो रही थी? जीरो पे। वन तो यहां कहीं होगा ना, इस पे फंक्शन तो यही रहना है ना, यानी यहां कोई लेफ्ट राइट नहीं करना, कोई लेफ्ट लिमिट नहीं देखनी, कोई राइट, लेफ्ट और राइट। तभी तुम शॉप पे जाते हो, तुम कहते हो मेरी 100,000 रुपीज अगर मैं खर्च सकता हूं, तो वो कहते हैं मैं तुहानू 900 दी चीज दिखा दा, हाँ मैं तुहानू 1,000, 1,000, 10,000, 50,000 दिखा दा, तो आप कहते हो एडजस्टेबल है, चाहे कम से अप्रोच करा रहे हो चाहे ज्यादा से, अल्टीमेटली तो ये मैं बाय करना। लेकिन जब आपने कहा 1,000 की, उसने उठा के जी हाँ जी जी ये लो जी ये 1,000 का है, काम खत्म, फंक्शन चेंज ही नहीं हो रहा, कोई हमने बार्गेनिंग नहीं करनी, कोई कुछ नहीं, हमें 1,000 की चीज चाहिए थी, उसने कहा ये लो नेट 1,000 की जी, काम खत्म हो गया। जब वन पे मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, कुछ एक ही फंक्शन है, तो मैं कोई लेफ्ट राइट नहीं लिमिट निकालूंगी। व्हाट आई हैव टू डू, मुझे क्या करना है यहां पर? सिंपल, लिमिट एक्स अप्रोचेस वन और थ्री एक्स प्लस वन, और वन पुट किया तो आंसर 6। पता चला बेटा? अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना तो समझो ऐसे वाले क्वेश्चन आए, और यही कॉन्सेप्ट आ गया ना, कॉन्टिन्यूटी प्लस टू का कॉन्सेप्ट है, हम 10+1 में ही करवा देते हैं, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। समझ आ गई बेटा? चले एक और क्वेश्चन करें और क्लैरिटी होगी, ठीक है? लेट अस डू वन मोर। हाँ जी बेटा, अब मेरे पास क्या दिया हुआ है यहां पर, अब आप ही मुझे बताओगे। क्वेश्चन 24, लिमिट एक्स अप्रोचेस वन, चलिए क्या करेंगे, वन पे कैलकुलेट करनी है, दोनों ही लेफ्ट और राइट दोनों कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो मेरे पास क्या आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है दैट इज इक्वल टू, अब ऊपर नहीं मैं कुछ लिख रही हूं, मैं सीधा ही कर रही हूं, लिमिट एक्स अप्रोचेस वन नेगेटिव। अब कौन सा वृत्ति, कौन सा फंक्शन लेंगे बेटा वन नेगेटिव पे? फर्स्ट वाला एक्स स्क्वायर माइनस वन, ओके बेटा, दैट इज इक्वल टू वन माइनस वन जीरो, राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेस वन पॉज, आगे नहीं लिखना, मैं एक बात बता दूं, एक्स अप्रोचेस माइनस वन एंड एक्स अप्रोचेस वन नेगेटिव, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, ये है एक्स अप्रोच कर रहा है माइनस वन की वैल्यू को, ये वो वन को अप्रोच कर रहा है लेकिन लेफ्ट से, मतलब वन से थोड़ी सी कम वाली वैल्यू। ओके ये कंप्लीट कर ले। हां जी क्या आएगा, देखो दोनों आंसर सेम आए, सुन लीजिए, दोनों आंसर सेम आए, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, अब पता चला क्लियर? चलिए बाकी कल करेंगे बेटा।